चन्नी साहब एक दिन जेल गए, जेल में कैदियों से मिलने के लिए। एक कैदी मिला, उससे पूछा कि तू जेल क्यों आया? कहता जी मैं जेब काटता था। कहता ले मैं तो खुद जेब काटता हूं। चन्नी साहब को कि जी मैं हमास संधु बोल रही हूं, मिस यूनिवर्स बन गई। कहता ले मैं तो खुद ही मिस यूनिवर्स हूं। मजाक बना दिया इन्होंने सरकार का। ऐसे पंजाब का कैसे भविष्य आगे बढ़ेगा? अब चन्नी साहब ने नए नए ऐलान करने चालू किए हैं, रोज नए नए ऐलान करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, इससे बड़ी भारत के इतिहास में नौटंकीबाज और ड्रामेबाज सरकार आज तक हमने नहीं देखी। अभी थोड़े दिन पहले मैं चन्नी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था टीवी में। इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो 24 घंटे जनता से मिलता रहता हूं, सारा दिन मेरे घर में लोग बैठे रहते हैं, ड्राइंग रूम में जाता हूं, ड्राइंग रूम में लोग बैठे रहते हैं, बरांडे में जाता हूं, बरांडे में बैठे रहते हैं, बाथरूम में जाता हूं, बाथरूम में मेरे साथ लोग आते हैं, वहां भी मिलता रहता हूं। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहला सीएम होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता रहता है। फिर उसने इंटरव्यू टीवी वाले ने पूछा आजकल एनआरआई का क्या माहौल है जी? बोले मैं तो खुद ही एनआरआई हूं। बोले आप कैसे एनआरआई हो? मैं पहले पिंड में रहता था, अब मैं शहर में आ गया तो पिंड वाले मेरे को एनआरआई बोलते हैं। तो लोगों ने मजाक बनाने शुरू कर दिए। कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो वो मिस यूनिवर्स बनी है हमास संधु, उसने फोन किया चन्नी साहब को कि जी मैं हमास संधु बोल रही हूं, मिस यूनिवर्स बन गई। कहता ले मैं तो खुद ही मिस यूनिवर्स हूं। चन्नी साहब एक दिन जेल गए, जेल में कैदियों से मिलने के लिए। एक कैदी मिला, उससे पूछा कि तू जेल क्यों आया? कहता जी मैं जेब काटता था। कहता ले मैं तो खुद जेब काटता हूं। मजाक बना दिया इन्होंने सरकार का। ऐसे पंजाब का कैसे भविष्य आगे बढ़ेगा? आजकल चारों तरफ कह रहे हैं असली आम आदमी मैं हूं, असली आम आदमी मैं हूं, केजरीवाल आम आदमी नहीं है। कहते हैं मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को टेंट लगाना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं। मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, आपके परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता, आपकी बिजली फ्री करनी आती है, बिजली का बिल आपका जीरो करना आता है। मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे को 24 घंटे बिजली देनी आती है आप लोगों को। अब पंजाब को तय करना है कि उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है, सर्कस गए होगे ना वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेह चंद बाजवा से नहीं। सारे लड़ रहे हैं आपस में, कैबिनेट मीटिंग के अंदर इनके गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार, ऐसी पंजाब सरकार, ऐसी सरकार ऐसी पार्टी क्या कांग्रेस को भविष्य दे सकती है? नहीं दे सकती। आज तक की पंजाब की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार। इनको पता है कि अब जाने वाले हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमाने में लगे हुए हैं, जाते जाते जितना कमाना है सारे कमा लो।